आज हमारी सरकार जो वादा की थी उसको पूरा करने जा रही है। सारे पंचायत को फाइनेंशियल सपोर्ट सीधा दिल्ली से सैंक्शन होकर उन पंचायत को मिलेगा। कोशिश किया, राज्य में एक नया लीडरशिप जब उभर रहा है और आगे जाकर हम चाहते हैं कि यहाँ असेंबली की भी चुनाव हो। असेंबली चुनाव में दो परिवारों के पार्टियों से आगे जाकर नए फोर्सेस, नए लोग, नए युवक आगे आए, नए ग्रुप्स आगे आए। इस प्रकार हम कोशिश जब कर रहे थे तो हमारे लोकल पार्टियों को क्या हो गया पता नहीं, एकदम राज्य में भय और आतंक का माहौल फिर से खड़ा करने का कोशिश उन्होंने शुरू कर दिया। हमने तो इनकी भाषा सुनकर हमको तो आश्चर्य हो गया, अब तो गोली बारूद की भाषा फिर शुरू कर दिए है। एक बात मैं कह दूं, आपने पिछले एक साल से जो भारत सरकार का प्रयास को आपने देखा है, इस राज्य में आतंक को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। और आतंक को समाप्त करना यानी केवल आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना मात्र नहीं है, उनको चुपके से मदद करने वाले सभी ओवरग्राउंड व्यक्ति और इंस्टीट्यूशंस को भी, उनको भी न्यायिक मार्ग में उनको भी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए हमने तो, हमारी सरकार ने तो हुर्रियत जमात इस्लामी जैसे संगठनों के ऊपर भी जो कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई की है। और यहाँ जो व्यापारी है और लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो आतंक को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का प्रक्रिया यहाँ जारी है। उसी प्रकार यहाँ के इस राज्य के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा यहाँ का करप्शन रहा है। लाखों हजारों करोड़ रुपया आता रहा है, हजारों करोड़ का रुपया दिल्ली से आता रहा है, पर वो कहाँ गायब हो जाता था मालूम नहीं है। हम बिल्कुल उस मुहिम का पूरा समर्थन करते हैं। जो भ्रष्टाचारी है, कितने भी बड़े स्थान पे होंगे, किस पार्टी का कितना भी बड़ा नेता होंगे, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ का राज्य सरकार का मुहिम एकदम आगे चलना चाहिए। मित्रों, वास्तव में यही कारण है, क्योंकि सरकार न केवल आतंकी और आतंक के ओवरग्राउंड सपोर्टर्स, बल्कि जो इस राज्य में जनता का और सरकार का पैसे खाके मौज मस्ती करने वाले नेताओं के पीछे भी सरकार जैसे ही लगी, यहाँ के नेताओं को फिर से गोला बारूद याद आ गया, फिर से 35A का खतरा शुरू हो गया, लोगों को डराने का काम शुरू हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको ये होना है, वो होना है। जो होना है, कानूनन जो कुछ भी इस राज्य के हित के लिए करना है, वो काम भारत सरकार करेगी।